क्या देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं रहे? क्या सोशल मीडिया पर उड़ रही मनमोहन सिंह के निधन की अफवाह सही है? दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की इस वक्त तबीयत नासाज है। एक तरफ पीएम मोदी समेत तमाम नेता और लोग मनमोहन सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर मनमोहन सिंह के निधन की अफवाह तेज है। लोग ट्वीट कर रिप लिख रहे हैं, जो महज अफवाह है। बता दें, उन्हें बुखार और कमजोरी के बाद दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। 88 साल के डॉक्टर सिंह का इलाज एम्स के कार्डियो न्यूरो टावर में चल रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को शुगर की भी बीमारी है। उनकी दो बार बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है। पहली सर्जरी 1990 में ब्रिटेन में हुई थी, जबकि 2009 में एम्स में उनकी दूसरी बाईपास सर्जरी की गई थी। पिछले साल एक दवा के रिएक्शन और बुखार होने के बाद भी मनमोहन सिंह को एम्स में भर्ती कराया गया था। मनमोहन इस साल 19 अप्रैल को कोरोना वायरस से पॉजिटिव भी हो गए थे। उनका इलाज दिल्ली एम्स में चला था। खास बात ये थी कि पूर्व पीएम भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के दोनों डोज ले चुके थे। उन्हें पहला शॉट 3 मार्च और दूसरा डोज 4 अप्रैल को दिया गया था। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ रही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे। लोग ट्वीट कर मनमोहन सिंह रिप लिख रहे हैं। ऐसे ट्वीट इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। हमें सोशल मीडिया पर एक नहीं बल्कि कई ट्वीट मिले जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन सच यह है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह फिलहाल अस्पताल में इलाज करा रहे हैं और तमाम नेता ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री के स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर जो चल रहा है वो गलत है।